हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल बैंकिंग डीए। माय नेम इज़ अनुपमा और आज मैं आप लोगों के लिए वैदिक मैथ की नेक्स्ट ट्रिक लेकर आई हूँ, जिसमें हम करेंगे कि अगर हमें एक से लेकर 1000 तक के स्क्वेयर्स फाइंड करने हैं तो कैसे हम इनको इजीली फाइंड कर सकते हैं, तो क्या हमारी अप्रोच रहेगी, ये सब कुछ आज हम सीखेंगे। क्योंकि हम ऐसे हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा 50 तक का स्क्वेयर लर्न कर सकते हैं। जो मैंने आपको स्ट्रेटेजी भी बताई थी तो मैंने आपको यही कहा था कि आप 50 तक का स्क्वेयर जरूर याद कीजिए, क्योंकि अगर आपने ये अच्छे से याद किए हुए हैं तो कुछ भी आपको निकालने की ज़रूरत नहीं है, कुछ भी आपको करने की ज़रूरत नहीं है। जस्ट आपको इतने तक का स्क्वेयर आ गया तो आप झट से लिख देंगे, लेकिन इतने कितने आप स्क्वेयर्स याद करेंगे ये तो नहीं है। 100 तक, 1000 तक आप याद कर लेंगे। तो इसके लिए क्या है हमारी सुपर फास्ट अप्रोच, जिसके थ्रू आप बहुत ईजिली बहुत कम टाइम में ये जो है निकाल सकते हैं स्क्वेयर्स। इससे पहले मैंने दो वीडियो ऑलरेडी आपको प्रोवाइड की हुई है, जिसमें मैंने आपको स्क्वेयर रूट फाइंड करना भी बताया है और क्यूब रूट फाइंड करना भी बताया है। इसके अलावा हो और भी वैदिक मैथ की सभी मैं वीडियोस आपके सामने लेकर आती रहूंगी, और बाकी वीडियोस का जो लिंक है स्क्वेयर रूट वाली, क्यूब रूट वाली, उनका लिंक जो है मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ऑलरेडी दे रखा है, आप वहां से देख सकते हैं। तो चलिए, सबसे पहले अगर आप हमारे चैनल पर न्यू हैं तो जल्दी से हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि हम आपको क्वांट रीजनिंग और जीएस की फुल प्रेपरेशन जो है वो करवा रहे हैं। तो चलिए, अब मैं आपको ये भी बताना चाहूँगी कि हम अनअकैडमी लर्निंग ऐप पर भी पढ़ाते हैं। आप अनअकैडमी लर्निंग ऐप डाउनलोड कीजिएगा, वहाँ पर आपको दिव्या गुप्ता सर्च कीजिएगा, दिव्या गुप्ता लिखकर और अनुपमा रानी लिखकर, तो आपको हमारी प्रोफाइल मिल जाएगी। आप दिव्या गुप्ता को रीजनिंग के लिए फॉलो कर सकते हैं और आप मुझे क्वांट के लिए फॉलो कर सकते हैं। मेरे भी क्वांट पर हर एक टॉपिक पर जो है कोर्सेज बने हुए हैं, क्योंकि अनअकैडमी पर यही फायदा है आपको कि सभी आपको कंप्लीट के कंप्लीट कोर्सेज बने बनाए मिल जाते हैं। मेरे हर एक टॉपिक पर क्वांट के हर एक टॉपिक पर जो है कोर्सेज बने हुए हैं, बेसिक से लेकर हाई लेवल तक के, ठीक है। इसके अलावा मैं आरआरबी की भी प्रेपरेशन करवा रही हूं, और भी जो एग्जाम आते रहते हैं सभी के मैं कंप्लीट कोर्सेज वहां पर चलाती रहती हूं, ठीक है। तो चलिए, अब आपको देखिए, सबसे पहले अगर आपको स्क्वायर फाइंड करना है तो आपको क्या करना होगा, 20 तक की स्क्वेयर्स अच्छे से आपको आने चाहिए, ठीक है। 20 तक के स्क्वेयर्स तो देखिए आपको आते ही होंगे, ये तो बेसिक सी चीज़ है, आपने लर्न किए ही होंगे। 1 का स्क्वेयर 1, 2 का 4, 3 का 9, ठीक है, अप टू इस तरीके से 10 तक, इसी तरीके से 11 का 121, 12 का 144, 13 का 169, इस तरीके से आपने सभी स्क्वेयर्स आई होप 20 तक तो लर्न किए होंगे, ये तो कोई भी बिल्कुल भी मुश्किल नहीं है। तो चलिए आगे, अगर हम बात करें अगर हमें टू डिजिट नंबर का, क्योंकि मैं आपको टू डिजिट नंबर का भी सिखाऊंगी, थ्री डिजिट का भी, बाकियों का भी अगर आपको निकालना है ऐसे ही इजी है बाकी नंबर्स का भी, ठीक है। तो देखिए, टू डिजिट नंबर अगर हमें आ गया उसका स्क्वायर कैसे फाइंड करना होता है, देखिए अगर हमें 26 आ गया, सपोज कीजिए 26 आ गया, इसको 1-1 में तोड़ लीजिए, मतलब एक डिजिट इधर एक डिजिट इधर, मतलब दो डिजिट है ना हमारे पास, तो एक एक डिजिट हो जाएगा 2 और 6। तो इस साइड क्या लिखिए, 6 6 था 36, और फ्रंट पे क्या लिख लीजिए, 2 2 4, ठीक है, दोनों का स्क्वायर लिख लीजिए। और बीच में हम क्या लिखेंगे, इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन, 6 2 12, और 2 से मल्टीप्लाई फिर से कर देंगे, 12 2 24, मतलब जो भी है इन दोनों डिजिट को मल्टीप्लाई करेंगे और 2 से मल्टीप्लाई, 6 2 12 2 24, ठीक है, तो 24 आ गया। अब देखिए, अब हमें करना है इनको प्लस, मतलब हमारे पास यहाँ पर दो डिजिट आ रहे हैं ना, अगर एक एक डिजिट आ रहा होता, सपोज यहाँ पर 4 होता, यहाँ पर 6 होता, तो हमारा आंसर सीधा 446 हो जाता, लेकिन यहाँ पर दो डिजिट आ रहे हैं, यहाँ पर दो डिजिट आ रहे हैं, दो डिजिट नहीं होने चाहिए, एक ही डिजिट होना चाहिए। उसके लिए क्या करेंगे हम, देखिए यहाँ पर हम करेंगे, यहाँ पर 6 ले लीजिए, हमें एक डिजिट लेना है ना, तो यूनिट वाला एक डिजिट 6 उठा लीजिए, 3 को कैरी फॉरवर्ड कर दीजिए यहाँ पर, 4 और 3 क्या हो जाएंगे, 7, तो 7 को ले लीजिए यहाँ पर, यहाँ पर जो 2 है ना इसको कैरी कर दीजिए फॉरवर्ड यहाँ पर, ठीक है, 4 और 2 6 7 6 7 6, आंसर हो गया, चेक कर लीजिए कैलकुलेटर पर, वैसे भी 26 का तो आपने लर्न किया ही होगा, कितना होता है 676 ही होता है ना। चलिए, अगर हम 34 की बात करें, सेम ऐसे ही 33 दा क्या हो जाएगा 9, 44 दा 16, 4 3 12 2 24, तो यहाँ पर लिख लेंगे, बहुत इजी हो गया यहाँ तक। आगे देखिए, एक एक डिजिट हमने उठाना है, तो 6 को ले लीजिए यहाँ, 1 को कैरी फॉरवर्ड यहाँ, 4 के ऊपर 1, 4 और 1
5, 2 को कैरी फॉरवर्ड यहाँ पर कर देंगे, 9 और 2 क्या हो जाएगी 11, हो गया। बहुत इजी था ना, कुछ भी टफ नहीं है। चेक कर लीजिए कैलकुलेटर पर, 34 का क्या होता है 1156, मतलब कुछ भी लर्न करने की भी आपको ज़रूरत नहीं है, इस तरीके से बहुत इजीली निकाल सकते हैं आप, ठीक है ना। तो चलिए आगे है, अगर हमने 59 का निकालना है तो 99 81, 55 25, बीच में क्या है 95 45, 45 90, ठीक है। तो अब क्या करेंगे, 1 यहाँ पर 8 को ले जाएंगे यहाँ पर, 8 + 0 कितना हो जाएगा 8, 9 को ले जाएंगे यहाँ पर, 9 + 4 कितना होता है 5 कितना होता है 14, तो 14 का 4 यहाँ पर लिख लेंगे, 1 कैरी फॉरवर्ड यहाँ पर, 2 और 1 3, बस हो गया, ठीक है, इजी था। चलिए आगे इसका, 4 4 16, 8 8 64, ठीक है, यहाँ तक हो गया। आगे 8 4 32, 32 2 कितना होता है 64, तो जो वो लिख लेंगे बीच में, अब देखिए 6 एज इट इज़, यहाँ 1 कैरी फॉरवर्ड यहाँ पर, 4 और 1 5, 6 को कैरी फॉरवर्ड यहाँ पर, 6 और 4 10, 10 का 1 कैरी फॉरवर्ड, 0 लिख लेंगे, 1 कैरी फॉरवर्ड, 6 और 1 7, ईजी था। चलिए अब हम करते हैं 3 digit number, उसका भी सेम ऐसे ही करना है। देखिए इसके लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले 117 है, उसमें हमने एक एक डिजिट में डिवाइड किया था, इसमें हम क्या करेंगे पीछे से 2 digit, ठीक है, पीछे से 2 digit और आगे 1 digit, ठीक है। तो अब वैसे ही करेंगे, इसको पूरे को समझ लीजिए एक डिजिट है, तो 17 17 तक कितना होता है, ऐसे करते हैं ना, पीछे का स्केयर कर देते थे आगे वाले का स्केयर, 17 17 तक कितना होता है 289, वो हमने लिख लिया, 1 का स्केयर क्या होता है 1, वो हमने लिख लिया, और बीच में मल्टीप्लीकेशन करके 2 से मल्टीप्लाई, तो 17 1 17 17 2 34। अब देखिए अब हमें प्लस करना है, पहले हमने जब 2 digit number लिया था तो हम क्या करते थे, हम बोलते थे कि एक ही डिजिट होना चाहिए, लेकिन अब हम क्या करेंगे 2 digit होने चाहिए, तो 89 को एज इट इज़, 2 को कैरी फॉरवर्ड यहाँ पर, तो 34 + 2 कितना हो जाएगा 36, अब फिर से 2 digit लेने हैं ना, तो 36 लिखेंगे, ठीक है, तो यहाँ पर क्या 1 रह गया, कुछ भी कैरी नहीं गया, बस 1 रह गया, ठीक है। 2 digit लेने हैं बस, ये आपको हमेशा ध्यान रखना है, जब भी 3 digit number आ जाए तो 2 digit लेने हैं, जब 2 digit number थे तो 1 digit लेना था, ऐसे ही 4 digit number हो गए तो 3 digit लेंगे, 5 digit number होंगे तो 4 लेंगे, ठीक है, इस तरीके से आगे हम करते हैं और आपको समझ आ जाएगा। देखिए 56 156, इसको डिवाइड कर लेंगे 56 पीछे से 2 और आगे 1, तो 56 का स्क्वायर कैसे करेंगे, जैसे हमने पीछे ट्रिक फाइंड करी हुई है, ठीक है, सीखी है, वो उसी ट्रिक को यूज करके 56 का आप निकाल लीजिएगा, बड़ा ही इजीली निकल जाएगा 56, ठीक है, 66 का कितना आ जाएगा 36, 55 का 25, 6 5 30 और 60, ठीक है, 6 एज इट इज़, 3 इधर चला गया कैरी फॉरवर्ड, यहाँ पर 3 आ जाएगा, 6 इधर चला गया, 6 और 5 11, 1 2 और 1 3 31 36 आ गया ना यहाँ पर, इस तरीके से आ जाएगा, बड़ी इजीली फाइंड हो जाएगा, मुझे समझाने में टाइम लग रहा है, आपको बताने में आप झट से सॉल्व कर दोगे इन चीज़ों को, ठीक है। तो चलिए 1 का स्केयर कितना होता है 1, यहाँ पर लिख लिया इसको, 56 1 56 56 2 1 12, ठीक है, यहाँ पर हो जाएगा। उसके बाद हम क्या करेंगे, देखिए यहाँ पर 2 digit है 36, उसको 36, उसके बाद 31 हो जाएगा कैरी फॉरवर्ड यहाँ पर, ठीक है, तो 2 और 1 3 3 और 1 4, 1 हो जाएगा कैरी फॉरवर्ड इधर, 1 और 1 2, तो मतलब इजी था ना। यहाँ पर एक बार दोबारा से मैं क्लियर करके बता देती हूँ, देखिए 36 दो डिजिट हमने ले लिए, 31 इसको ले जाएंगे यहाँ पर, तो 2 और 1 3, इसी तरीके से 3 और 1 4, तो 1 बच गया ना, 2 ही डिजिट हमने लेने थे, तो 1 को कैरी फॉरवर्ड कर देंगे, 1 और 1 2, ठीक है। चलिए अब ये है आप लोगों के लिए होमवर्क क्वेश्चन, इस क्वेश्चन का आंसर मुझे कमेंट सेक्शन में दीजिएगा, ऐसे ही सॉल्व कीजिएगा जैसे मैंने करवाया है, बहुत ज़्यादा इजी है, 13 का स्केयर तो आपको आता ही होगा, तो बहुत इजीली बहुत कम टाइम में आप इसको सॉल्व कर लेंगे। सो गाइस थैंक यू सो मच, आज के लिए इतना ही, वैदिक मैथ की और भी ट्रिक्स मैं आप लोगों के लिए लेकर आती रहूँगी, थैंक यू।